किचन का बन गया किच किच किच। कैसे लेनी चाहिए हल्दी, कौन सी लेनी चाहिए? हल्दी को दूध में डाल के लेना। कैसे? आप समझिएगा कि काली हल्दी आपने जैसे डाल दी, जादू हो गया। पांच हल्दियां दी है भगवान ने अपने को, पांचों ही डालेंगे आप अपनी रसोई में। जंगली हल्दी आपको ऑपरेशन से बचाती है। नमस्कार, आपकी अपनी रसोई, कामली रसोई। ये रसोई वर्ड आया कि जो रसोई है वो रस की भरी होती है। हमने उसको बना दिया किचन। जब से किचन बनाया पूरे घर में किच-किच होती रहती है। पहले रसोई होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, हम सब बैठ के खाना इकट्ठे खाते थे। और अब क्या हो गया, अब वो किचन बन गया। अब किचन में काम वाली काम कर रही है, बर्तन तोड़ रही है, इधर से मैडम बोल रही है, तो किचन का बन गया किच किच किच। तो हमने उसको वापस कामरी रसोई का नाम दिया, ताकि आपकी रसोई में वो चीजें हैं जो आपको और आपके परिवार को और आपके बच्चों को स्वस्थ रखने में बहुत कामयाब और बहुत कारगर है। आज उन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हल्दी के ऊपर। हल्दी कैसे लेनी चाहिए, हल्दी कौन सी लेनी चाहिए? अब हम सारा दिन सोचते रहते हैं हल्दी असली नहीं है, हल्दी नकली है, हल्दी ये आ गई, हल्दी में मिलावट है। अरे भाई, मिलावट करने का समय आप देते हो लोगों को। आप हल्दी की गांठ लीजिए और वो गांठ जो है उसको सुखा लीजिए, ड्राई हल्दी को, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। और भी तो करते ही है। अपने को कितनी हल्दी चाहिए? एक पाव भर हल्दी चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए ना। एक पाव भर हल्दी के लिए हम किसी को मिलावट करने का मौका दे देते हैं। तो घर पे कच्ची गांठ वाली हल्दी ले आके, ड्राई हल्दी जो मिल जाती है, उसको थोड़ा ऐसे बेलन से तोड़ फोड़ करके उसको मिक्सी में डालिए, ग्राइंड कर दीजिए, ओरिजिनल हल्दी आपको मिलेगी। और उस हल्दी को दूध में डाल के लेना। कैसे? एक कप पानी, एक कप दूध, उसको उसके अंदर एक चम्मच हल्दी डाल के उसको बॉयल कर लीजिए। इतना बॉयल कीजिए कि वो आधा रह जाए। जब वो आधा रह जाए तो उसको आराम से, रात को जब लेटना है, उस समय के बाद कुछ खाना पीना नहीं है, जब आपने रात को लेटना है उस समय आप उसको आराम से अपने बेड पे बैठ करके सिप सिप करके पीजिए। आप यकीन मानिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर जो दर्दें होती हैं, सुबह उठा ही नहीं जाता, पाँव अगर इतना दुखता है, हम नीचे रखने लगते हैं तो पैर में दर्द होता है, दिल नहीं करता बिस्तर से उठने को कि पाँव बहुत दुखेगा, तो उसके लिए आपको ये काम करेगी। हाँ, अगर एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी चल रही है, वो चल रही है ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड जो है वो बहुत बढ़ रहा है, तो उसके कारण इन लोगों के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है वो हार्ट प्रॉब्लम का हो रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो हल्दी मैंने आपको बताई है वो तो कमाल है, और उसके साथ साथ काली हल्दी। काली हल्दी की जो गांठ होती है वो भी पीली हल्दी जैसी ही गांठ होती है, लेकिन जब हम उसको तोड़ते हैं अंदर से तो वो मॉव कलर की निकलती है, तो उसको काली हल्दी का नाम दिया गया। अगर कहीं आपने 50 ग्राम आपने ले लिया पीली हल्दी जो आपकी गांठ से आपने बनाई किचन में, उस हल्दी के अंदर आपने 10 ग्राम, ओनली 10 ग्राम एक तोला काली हल्दी का पाउडर मिला दिया, भाई कमाल। आप समझिएगा कि काली हल्दी आपने जैसे डाल दी, जादू हो गया। दूध पियेंगे रात को और काली हल्दी और पीली हल्दी वाला, तो कमाल के रिजल्ट, जिनको माइग्रेन होता है, सर्वाइकल होता है, कमाल के रिजल्ट आएंगे। 50 ग्राम पीले वाली हल्दी और उसके अंदर 10 ग्राम काले वाली हल्दी। आगे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा, काम आएगा आपके। अगर कोई बात ना समझ आए मुझे फोन मत करिएगा, पीछे रिवर्स करिएगा, इसको दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और इसके अंदर अगर आपको एक चीज और बढ़ रही है, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अंबा हल्दी 10 ग्राम, दारू हल्दी 10 ग्राम, 50 ग्राम पीली हल्दी, 10 ग्राम काली हल्दी, 10 ग्राम दारू हल्दी, 10 ग्राम अंबा हल्दी। अरे कितनी हल्दियां दे दी भगवान ने अपने को, सारी खाएंगे। उस चार हल्दियां हो गई जी, चारों का वजन आ गया आपके पास 90 ग्राम। खूब खाइए, एक चम्मच भर के एक कप पानी एक कप दूध में उबाल करके डेली लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी गर्मी हो जाती है, कुछ गर्मी होने वाली नहीं है,
आराम से लीजिए, धीरे धीरे ये आपकी दोस्त बन जाएगी। जिस दिन ये पांचों हल्दियां, चारों हल्दियां आपकी दोस्त बन गई, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होएगा, ट्राइग्लिसराइड ठीक होंगे, आपके थायराइड पे काम करेगा और आपके जोड़ों के दर्द पे काम करेगा, सर्वाइकल पे काम करेगा, माइग्रेन पे काम करेगा, करके देखिएगा। और इससे बाद, इसके बाद एक हल्दी और रहेगी, पांच हल्दियां दी है भगवान ने अपने को, पांचों ही डालेंगे आप अपनी किचन में, अपनी रसोई में सॉरी। तो वो पांचों हल्दियों में क्या है, एक है जंगली हल्दी। अब बहुत सारे मेरे बहन भाई माता बुजुर्ग बहुत सारे ऐसे हैं, अगर आप अपनी सॉक्स उतार के देखोगे तो ऐसे एंकल के आसपास बारीक बारीक नाड़ियां सी नीले रंग की बनी होती है, गुच्छी सी बन जाती है, ऐसे ही घुटने के बैक साइड पे जो स्किन होती है उस पर बन जाती है, घुटना खोलने में करने में दिक्कत आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं कहता ग्रीस खत्म हो गई, ऑपरेशन कर लो। जंगली हल्दी आपको ऑपरेशन से बचाती है। जंगली हल्दी अगर आपने 10 ग्राम डाल ली तो पूरी कितनी होगी, पांचों हल्दियां मिला के 100 ग्राम, खानी कितनी है रोज की 3 ग्राम, कितनी हो गई एक महीने की घर की दवा बन गई है। कितने पैसे लगे होंगे, कुछ भी नहीं, 2-3 रुपए रोज का खर्चा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई भी अपने घर में जो जोड़ों के दर्द से परेशान है, घुटनों में ग्रीस खत्म हो रहा है उससे परेशान है, उसको लगता है कि गोयल साहब का ये वीडियो आगे शेयर करना चाहिए, तो जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ना भी पसंद आए तो नीचे कमेंट में जाकर के जरूर बता दीजिएगा जैसा भी आपको लगा, तो अगली बार मैं इतने बढ़िया वीडियो बनाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद इसलिए करूंगा कि आप मेरे वीडियो देखते हो तो मेरे को कमेंट भी देते हो। तो ये थी हल्दी जो हमने लेनी है अपनी सेहत के लिए, जिनके ये नाखून फटने लगते हैं, जिनकी आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, जिनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं और जिनकी नाक दिन रात बहती रहती है। इस पंचम हल्दी को, ये पांचों हल्दियां डाल के बनती है पंचम हल्दी, इस पंचम हल्दी को अगर आप लोगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, नाड़ियां मजबूत होंगी, आपका ब्लड साफ होगा, आपका वीरस गाढ़ा होगा, आपको जान ही जान आएगी। आप 3 महीने करिएगा, 3 महीने के बाद अगर आपको लगे कि गोयल साहब से मिलना है तो सीधा मेरे पास चले आइएगा, चंडीगढ़ में मैं मिलता हूँ आप लोगों को, और ऐसे ही बैठता हूँ, हजारों लोग आते हैं साल के महीने के अंदर अंदर, रोज के 200-300 लोग आते हैं अपने को मिलने, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आप इस वीडियो को मुझे लगता है कि आप शेयर करना चाहेंगे, जरूर करना चाहेंगे। तो अगर और भी हमारे अच्छे वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप इसे लाइक कर लीजिए, इसका बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।